वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट लास्ट क्लासेस में हमने अपने इंडेक्स नंबर को कम्प्लीट किया है और आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबिलिटी तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी यूनिट्स से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो जो बाकी यूनिट्स में इतने सारे कॉलम बनते हैं उनका सम होता है फिर उसको आप सॉल्व करते हैं हालांकि अब एक कैल्कुलेटर रहता है बट उसके कंपेटिवली मैं प्रोबेलिटी की बात करूँ तो ये कम टाइम लेता है इसको आप फुल स्कोर कर सकते हैं इस यूनिट के अंदर लेकिन फुल स्कोर की अगर मैं बात कह रहा हूं तो इसके लिए आपको इस चैप्टर को काफी टाइम देना पड़ेगा सीखने में बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी डिटेल में डीप में जाकर के आराम आराम से सीखने की नीड है तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी आपके पास में एक आपका फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक होगा मैं बिल्कुल आ, मान के चलिए कि मैं पहले आपको जो नाइन्थ टेंथ में जो आप लोगों ने पढ़ा सीखा मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए फिर उनसे कनेक्ट करते करते हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे चाहे उसमें आपके मल्टीप्लीसन थ्योरम हो चाहे अदर थ्योरम्स हो सब कुछ हम इसके अंदर करेंगे क्लियर है तो बट वन बाय वन करके ही होगा एकदम से ही सब कुछ नहीं होगा हाँ जी बच्चे तो प्रायरिटी क्या है सबसे पहले इसकी बात करते हैं हिंदी में इसको कहते हैं हम संभावना किसी घटना के घटित होने की क्या संभावना है किसी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है चांसेस क्या है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं अब आप आपको सर फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉसिबिलिटीज़ को जान के हमारा क्या फ़ायदा है बच्चे जब आप कोई भी डिजल लेते हो इवन आप एक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट भी करना की कुछ सो, सो, सोच रहे हो तो आपको लगेगा कि प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस है तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे अगर आपको लग रहा है कि 85 परसेंट लॉस के चांसेस है 15 परसेंट प्रॉफिट के चांसेस है तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे तो डिसीजन जब भी हम कभी लेते हैं तो उसमें हमें मालूम हमें उसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कोई भी इवेंट करने के बारे में जब हम डिसीजन ले रहे हैं मन मना रहे हैं तो हमें पहले हमारे फेवर favor में फेवरेबल हमारे रिजल्ट आए हमारे फेवर में रिजल्ट आए उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है अगर हम वो जान लेते हैं अगर उसकी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है हाई पॉसिबिलिटीज है उसकी तो हम जाएंगे अदरवाइज अगर पॉसिबिलिटीज लो है तो हम नहीं जाएंगे तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है मैंने कि हमें क्यों जानने की जरूरत है किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटीज या संभावना या प्रोबेबिलिटी अब एक छोटे सा एग्जाम्पल देता हूं मैं एक टॉस को मैं एक कॉइनस को टॉस करता हूं और मैं आपसे पूछता हूं इसमें हेड आने के चांसेस क्या हैं तो आप कहोगे सर टॉस किया आपने इस पर तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ज़्यादा आने के चांसेस किस चीज़ के हैं हेड आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं या भी टेल के आपको कहे सर वो तो कॉइन को तो टॉस किया है ना आपने वो तो कुछ भी हो सकता है इसमें तो ये नहीं कह सकते कि हेड के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है कि हेड ही आएगा या टेल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा कि टेल आएगा दोनों के इक्वल चांसेस ही लग रहे हैं इट मीन्स हेड आने की पॉसिबिलिटीज कितनी फिफ्टी परसेंट है ना बच्चे तो हेड आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है फिफ्टी परसेंट टेल आने की भी कितनी है उसमें से फिफ्टी परसेंट तो इसका मतलब है कि आप इस चीज को जरा समझेंगे कि टोटल इवेंट आपके पास में जो ये 50 परसेंट बोला इसको अगर आप फ्रैक्शन में अगर आप बोल देंगे तो आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लाइक फिफ्टी परसेंट है फ्रैक्शन में क्या है वन अपॉइंट टू है तो आपका बेसिकली प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके आंसर फ्रैक्शन में लिखे रहते हैं तो हम फ्रैक्शन में ही करेंगे क्लियर है बच्चे और एक बात और भी ध्यान रखिएगा किसी इवेंट के होने और ना होने की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी लाइक पचास परसेंट हेड आने की पॉसिबिलिटीज है और नहीं आने की फिफ्टी परसेंट पॉसिबिलिटीज है तो so, टोटल कितना हो गया आना और आना हंड्रेड परसेंट मीन्स फ्रैक्शन में क्या हो गया वन हो गया क्लियर है बच्चे तो इसलिए किसी इवेंट के होने और इवेंट के ना होने उसी सेम इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटीज का सम ऑलवेज क्या होता है वन है अगर किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज आपको पता लग गई है तो उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसी सेम इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी आपके सामने आ जाएगी क्लियर है अब क्वेश्चन ये कि सर पॉसिबिलिटीज या चांसेस या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को जरा आप समझे यहां पर जो आप इवेंट कर रहे हैं उसके अंदर फेवरेबल आउटकम्स जो चाहते हैं कि ये चीज आ जाए उसकी क्वांटिटी कितनी है वो नोमिनेटर में रहता है ठीक है बच्चे अगर आप चाहते कि ये चीज़ हो जाए तो उसकी उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है वो नोमट्री में आएगा और टोटल में से आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं जो टोटल है उसको हम क्या बोलेंगे टोटल आउटकम्स बोलेंगे तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज बता देता है तो लाइक मैंने पूछा हेड आने की चांसेस क्या है तो मेरे पास में पॉसिबिलिटीज क्या है हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है तो हेड आने की तो मैं हेड आने की पूछा तो हेड कितने है? जिसकी पूछ रहा हूँ तो एक है और टोटल कितनी चीजें एक दो चीजें तो 50 परसेंट है तो प्रोरिटी ऑफ हेड क्या है हमारे पास में वन बाई टू क्लियर है बच्चे तो समझ में आया फेवरेबल आउटकम्स जो आप चाहते हैं उसकी मात्रा कितनी है उसमें और उसके ना टोटल मात्रा कितनी है उसे डिवाइड करेंगे तो आपकी प्रोयरिटी आ जाएगी अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से समझेंगे सीखेंगे तो और मजा आएगा आपको फिलहाल आप वन बाय वन करके आप सीखते चलिए Uh, एक स्टूडेंट पूछ रही है सर आप रेगुलर क्लासेस होंगी बच्चे सबसे पहले तो एक बात मैं बताता हूँ कि आपको एक लेटेस्ट क्लास की नीड होती है ऑलवेज कि भैया हमें एक लेटेस्ट क्लास मिले तो आप लेटेस्ट क्लास में किस चीज़ को कंसीडर करते हैं लाइक like, ये 2024 है तो आप लेटेस्ट क्लास उसी को कंसीडर करेंगे इसमें कि 23 के भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हों जो टू गया है उसके भी क्वेश्चन अगर आपसे डिस्कस किए गए हैं मतलब कि तो लेटेस्ट क्लास है तो इसलिए बच्चे क्योंकि आपका बिजनेस स्टैटिस का सिलेबस बहुत बड़ा है बिजनेस मैथ्स का टू टाइम्स थ्री टाइम्स है बिजनेस मैथ्स ही अपना में बहुत बड़ा था पर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा आपका बिजनेस स्टैटिस का सिलेबस है इसलिए क्लासेस क्योंकि जब आपके रिजल्ट आते हैं जब आप कॉलेज में जाते हो फिर उसके बाद आप अपना मन मनाते हो फिर आप कोर्स लेते हो बहुत सारे बच्चे आज भी ले रहे हैं बहुत सारे बच्चे कल भी लेंगे बहुत सारे बच्चे बीस दिन बाद भी लेंगे तो फिर मैं बच्चों के वेट कर करके -कर मैं यहाँ पर क्लास स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग तो फिर कोर्स ही आपका कवर नहीं होगा एग्जाम से पहले इसलिए मैं को, अच्छी तरीके से के में डाले जो कि है। जिसमें कि मैंने आपको यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है जिसमें मैंने डिवाइड कर रखा है आपको मेजरमेंट ऑफ सेंटे टेंडेंसी तो आपको एडवाइस करूंगा सबसे पहले मेजरमेंट ऑफेटेंडेंसी उसमें से कवर कर ले और उसमें मैंने लास्ट फाइव टू सिक्स के ईयर क्वेश्चन डिस्कस करके लेटेस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ये नाइनटीन ये क्वेश्चन भी पहले पूरा चैप्टर कर लो उसके एंड में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं तो मेजरमेंट ऑफ सेंट अटेंडेंस को कवर करने के बाद फिर आप उसके बाद उसमें अस्क्यूनेस कटेसिस वो भी आप उसके अंदर करें क्लियर है और मैं आपको एक ऑर्डर दे दूंगा मैं कंटेंट में लगा दूंगा आपके कि भैया किस ऑर्डर में पढ़ें तो वो ऑर्डर से आप उस रिकॉर्डेड क्लासेस से अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर लो क्लियर है बच्चे क्लियर है ना और जो क्लासेस साथ में साथ आपके चल रही है वो तो आपकी रनिंग करेगी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस होंगे ही तो आपके कंटेंट के अंदर मैं वो सारी क्लासेस लगा दूंगा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर पे किसको आप कैसे देखें अरेंज कर दूंगा उसको मैं क्लियर है और आप उसको क्लासेस देख करके अपनी स्पीड को अपने एक अलग यूनिट आप अपना स्टार्ट कर दीजिए साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे साथ साथ में आप जुड़ करके एक यूनिट को कवर कर लीजिए बाकी मैंने सारे यूनिट को आपको कवर करवा दिया है लेकिन मैं सबके डाउट्स लेने के लिए एग्री हूँ सबके लिए मैं लाइव सेशन रखूंगा सबके डाउट्स आपके लाइव आकर के, के मैं सॉल्व करूंगा बट जो चीज एग्जैक्ट हो चुकी है उसको एग्जैक्ट रिपीट करके फायदा नहीं है आपके डाउट्स लेने का ज्यादा फायदा है क्लियर है दिव्या चलिए बच्चे तो यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द गेटिंग एन द इवन द नंबर इन द थ्रो द अनबाइस डाइस तो बच्चे क्या है सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि एक बाइस एक डाइस को मैंने क्या करा थ्रो किया तो तो टोटल आउटकम कितना हो सकता है यहां पे आपके पास में क्या है फॉर्मूला क्या है फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स तो फेवरेबल आउटकम एक डाइस को थ्रो करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये कुछ आपके क्या है पॉसिबिलिटीज है ठीक है बच्चे और उसके बाद अन अनबाइज मतलब कि कोई आप चीटिंग नहीं करनी कि आपको जो है आ, देख देख करके या कुछ ऐसे करके बचपन करते थे ना ऐसे करके ऐसे करके ऐसे रख देते थे हम उसको नहीं ऐसे नहीं करना आपको अच्छी से सफल करके थ्रो करना है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी मतलब कि क्या पॉसिबिलिटीज है टू गेटिंग एन एवन नंबर क्या आपने एक डाइस थ्रो किया मैंने और उसमें एवन नंबर आ जाए इसकी कितने परसेंट चांसेस हैं या कितनी इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है तो बच्चे तो मैं यहाँ पर फेवरेबल सॉरी टोटल आउटकम्स से टोटल आउटकम्स अब हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स की बात करता हूँ नंबर क्या क्या आ सकता है अगर मैं नंबर की बात करूं तो जो फेवरेबल आउटकम है उसकी संख्या कितनी है आपके टोटल के अंदर. तो ईवन नंबर दो हो सकता है चार भी हो सकता है और सिक्स भी हो सकता है क्लियर है बच्चे तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं डाइस थ्रो करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर तो बच्चे फेवरेबल आउटकम आपके फेवर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं आपको आपको चाहिए क्या आपको इवन नंबर चाहिए तो उस इवन नंबर की संख्या कितनी है इसमें दो चार छः से मतलब नहीं है इसकी क्वांटिटी कितनी है इससे मतलब आपको कितनी है इसकी थ्री तो आपके फेवर में जो आपको चाहिए वो कितने रिजल्ट आ सकते हैं तीन आ सकते हैं आउट ऑफ कितने में से वन टू सिक्स में से कुछ भी आ सकता है तो आउट ऑफ सिक्स तो टोटल तो आउटकम्स आपके कितने हैं सिक्स है उसमें से आपके फेवर में आ जाए रिजल्ट ऐसे तीन चांसेस हैं तो थ्री सिक्स में से आपका अगर आ जाता तो ये चांसेस कितना बन जाता है आपका इसको सॉल्व करेंगे ये वन बाई टू मीनस फिफ्टी परसेंट चांसेस है कि आपके पास में वो एक नंबर हो क्योंकि आपके डाइस में एक ई एवन एवन ऐसे ही रहता है इक्वल इवन है इक्वल ओड है तो कोई भी उसमें से आ जाए उसके फिफ्टी परसेंट चांसेस है वन बाय टू तो में कैसे अप्लाई करना है आपको बच्चे फेवरेबल आउटकम में जो आपको चाहिए उसकी संख्या कितनी है उसके अंदर और टोटल कितने में से आप देख रहे हो तो बिल्कुल मैं भी नाइन टेन से पढ़ा रहा हूं समझ से जाइए उसके बाद करेंगे आप बैग ऑफ फाइव ब्लैक बॉल्स एंड टेन व्हाइट बॉल्स एक बैग है ठीक है इसके अंदर क्या है एक बैग है जिसके अंदर आपके पास में कितने फाइव ब्लैक बॉल्स हैं ब्लैक बॉल दिस वन ये कलर तो दिखेगा नहीं आपको मैं लिख देता हूं चलिए फाइव ब्लैक बॉल कितने बच्चे फाइव और टेन वाइट बॉल वाइल गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग गलत उसकी डांसना वाइट कितने टेन है एक इसके अंदर एक बैग के अंदर रखा हुआ है ठीक है बच्चे अब इस बैग से मैं कोई एक बॉल विड्रॉ कर रहा हूं निकाल रहा हूँ वो तो कुछ भी आ सकता है भाई पंद्रह में से कोई भी बॉल मेरे हाथ लग जाएगी तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इसके चांसेस क्या हैं तो बच्चे मेरे पास फेवरेबल आउटकम क्या है अगर मैं बात करता हूँ इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टोटल आउटकम तो बच्चे अगर बात करें टोटल आउटकम्स मेरे पास में मतलब कि टोटल तो उसके अंदर अवेलेबल हैं वो क्या है वो पंद्रह में से कोई भी हो सकता है तो टोटल फिफ्टीन ठीक है फाइव इसमें से भी आ सकता है बच्चे वो इसमें से भी आ सकता है तो टोटल कितने हो गए फिफ्टीन एंड फेवरेबल आउटकम्स तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे मेरे पास में लाइक ब्लैक बॉल है ना तो ब्लैक बॉल की क्वांटिटी कितनी है उसमें से उसके चांसेस कितने बनेंगे फाइव है तो ब्लैक बॉल उसकी संख्या ऊपर फाइव है और आउट ऑफ फिफ्टीन तो पंद्रह में से पांच उसके अंदर ब्लैक बॉल है तो टोटल का वन थर्ड उसमें से तो ब्लैक बॉल ही है तो मतलब कि वन थर्ड चांसेस ही है वो आए टोटल चांसेस का तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाय थ्री और ब्लैक बॉल ना आए इसके चांसेस क्या है तो जो चांसेस हैं जिस चीज के उसके ना आने के चांसेस वन में से माइनस कर दो क्योंकि के होने और सेम उसी के ना होने की प्रोबलिटी का एडिशन कितना होता है वन होता है क्लियर है बच्चे तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स तो मैं यहां पर क्या करूंगा आपके पास में फाइव है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल करते हैं फाइव आउट ऑफ फिफ्टीन ठीक है ना क्या इसका फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम तो फेवरेबल में पांच में से कोई भी आपके आ जाता आपके फेवर में आउट ऑफ फिफ्टीन तो आंसर क्या है वन बाय थ्री क्लियर है बच्चे समझ आया आपको एंड बी पार्ट तो बी पार्ट के लिए भी टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास में टोटल आउटकम्स आपके पास में वही सिमिलर फाइव प्लस टेन फिफ्टीन आपके पास में टोटल आउटकम्स है ठीक है और अगर यहां पर आप निकालेंगे फेवरेबल आउटकम्स तो आपको चाहिए क्या वाइट बॉल तो जो आपको चाहिए जो आपके फेवर में आ जाए उसकी संख्या क्या है उसके अंदर तो वो देखो कितनी संख्या है इसके अंदर दस तो प्रोल्टी ऑफ इट बॉल एक पस टू सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे तो आपके पास में क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स तो फार्मूला क्या बनता है इसका फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास में टेन डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने फिफ्टीन तो सॉल्व करेंगे फाइव से टू बाय थ्री क्लियर है बच्चे क्योंकि अगर वन थर्ड एक इवेंट के होने के चांसेस हैं तो टू थर्ड अनदर इवेंट होने के चांसेस हैं और टू थर्ड इसके ना होने के चांसेस हैं और वन थर्ड इसके ना होने के चांसेस है अगर टू थर्ड इसके चांसेस है तो वन थर्ड इसके ना होने के तो दूसरे के होने के चांसेस क्लियर है बच्चे इना लॉटरी टेन प्राइजेस एंड नाइनटी ब्लैंक्स टोटल हंड्रेड हो गए हंड्रेड लगाए गए लॉटरी में जिसमें से दस के अंदर प्राइज है और नब्बे ब्लैंक है ठीक है और इफ अ पर्सन होल्ड वन टिकट्स वट द चांसेस ऑफ द गेटिंग प्राइज एंड नॉन गेटिंग प्राइज तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भैया आपने लॉटरी में अगर आप लॉटरी में एक टिकट लेते हो तो आपके उसमें प्राइज आने के चांसेस क्या हैं कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप उसमें विन करोगे तो सिंपल सा है कि यहाँ पर वही करोगे आप टोटल आउटकम्स कितने टोटल आउटकम्स सेलेक्शन जो करोगे टोटल कितने में से करोगे टोटल so, आउटकम्स कहते हैं कितने में सिलेक्शन होगा टेन तो आपके प्राइज वाले नाइन्टी आपके ब्लैंक हैं सब कुछ मिक्स करके रखा हुआ है तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके हंड्रेड एंड फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि जो आपको चाहिए उसकी संख्या कितनी है उसमें उसमें उसकी संख्या कितनी है आपको चाहिए लॉटरी लॉटरी आने का चांसेस गेटिंग अ प्राइज तो उसके चांसेस क्या है आपके पास में दस उसके संख्या कहते हैं दस उसके अंदर ऐसे उसमें से कोई भी एक आ सकता है तो उसकी संख्या कहती है दस तो प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग प्राइज गेटिंग प्राइज तो कैसे आप फॉर्मला क्या लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइस फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो हमारे पास में कितने हैं दस और टोटल आउटकम्स हमारे पास पे कितने हंड्रेड तो सॉल्व करूंगा वन बाय टेन मीन्स टेन परसेंट चांसेस ही हैं कि आप विन करेंगे तो आप देख लो आपको लॉटरी में जाना है या नहीं जाना है क्लियर है अब बच्चे मैं कुछ और क्वेश्चन आपको लूंगा लेकिन उसमें कार्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे अब कार्ड के क्वेश्चन तो मैं करवाता रहूंगा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अगर आपको कार्ड से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो तो पहले आइए आज के क्लास में हम कार्ड से रिलेटेड अवेयरनेस ले लेते हैं उसके बाद हम कार्ड से रिलेटेड जब क्वेश्चन को अटैप्ट करेंगे तो आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल रहने वाला है क्लियर है बच्चे तो कार्ड से रिलेटेड अवेयरनेस ले लेंगे सबसे पहले देखिएगा ताश आज मैं आपको बता रहा हूँ ताश के बारे में कार्ड्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि आपके कार्ड्स टोटल जो कार्ड्स हैं ना आपकी 52 कार्ड्स होते हैं ठीक है ये आपके पास पे फिफ्टी टू कार्ड्स आपके टोटल होंगे मैं दिखा भी रहा हूँ साथ साथ यहाँ पे टोटल कार्ड्स आपके 52 होंगे इसमें से ब्लैक 26 होंगे और 26 रेड होंगे तो टोटल कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपको 52 को ब्लैक एंड रेड कलर में 26 एंड 26 इक्वल जैसा आप देख रहे हो कि ये आपके पास में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन इसको एज को वन भी कहते हैं इक्का तो यहाँ पे कितने हैं तेरह ये ब्लैक कलर के हैं सारे सब पे ब्लैक कलर से मार्क है ब्लैक कलर से मार्क है तेरह ये भी ब्लैक वाले हैं आपके सारे सब पे ब्लैक कलर का मार्क है तो थर्टीन थर्टीन ट्वेंटी सिक्स आपके ब्लैक हो गए सिमिलर आपके रेड वाले थर्टीन एंड रेड वाले थर्टीन तो रेड वाले भी ट्वेंटी सिक्स हो गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपके पास में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं फिफ्टी टू होते हैं क्लियर है बच्चे तो टोटल आउटकम्स क्या, क्या बनेगा इसमें कार्ड तो so में से एक कार्ड निकाला और उसमें से रेड है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है तो वही कि आपके पास में फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपके पास में रेड आए तो उसमें जो आपको रेड चाहिए क्वान्टिटी कितनी उसमें ट्वेंटी है ना और आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने कितना फिफ्टी टू करोगे आप क्लियर है बच्चे समझ आया तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो पहले आप तो पहले कार्ड को समझ लीजिए क्या है तो कितने आपके ब्लैक होते हैं और कितने आपके रेड होते? होते हैं ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स ब्लैक ट्वेंटी सिक्स रेड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके फिफ्टी टू अब बच्चे अब देखिए ये सारे सब में ना अलग अलग शेप्स है इसके शेप देखो क्या है इसके शेप्स देखो क्या है इसके शेप्स देखो, देखो क्या है और इसके शेप देखो क्या है क्लियर है इसमें देखो शेप्स है ना क्या हो रहे हैं लाइक like दिस ये ये आपस में मिल रहे हैं है ना आपस में मिल रहे हैं इस मिलने में क्या होता है क्लब ये क्या हो गया आपके आपस में क्लब हो रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे क्लब तो क्लब के थर्टीन है सब में यही शेप मिलेगा आपको सब में यहाँ पर यही शेप मिलेगा थर्टीन में ठीक है बच्चे सब में क्या मिलेगा आपको सब में देखो यही शेप मिलेगा क्लियर है सब में यही शेप मिलेगा सब में नंबर एक ही डालते हैं वन टू टेन इसको ए से होगा टेन और आपके पास में जैक क्वीन एंड किंग तो यही सब में यही चीज आएगी वन से टेन जैक किंग एंड क्वीन लेकिन सबके ऊपर इमेजेस डिफरेंट होंगे ये क्लब हो गया ये इमेजेस वाले तो क्लब के कितने होंगे आपके पास में थर्टीन हो गए और इसको हम क्या बोलते हैं ये जो आप देखेंगे स्पेड ठीक है बच्चे क्लियर है इसको आप क्या बोलोगे स्पेड तो इसको आप स्पेड बोलेंगे और इसके भी कितने आपके पास हैं टोटल थर्टीन है तो क्लब की इमेज पता लगी क्या क्या होती है क्लब में दिस वन एंड स्पेड आपका ये थर्टीन हो गया और इसी तरीके से आपके पास में ये तो देखो दिल बना हुआ है बचपन से बनाते आ रहे हो आप लोग अपने रजिस्टरों पर ठीक है ना बचपन और जवानी दोनों ही बर्बाद हो गई इसके चक्कर में आपकी तो ये आपके पास में क्या है हर्ट क्लियर है तो ये आपके पास में हर्ट है तो हर्ट के भी कितने हैं थर्टीन है तो क्लब थर्टीन स्पेड थर्टीन हर्ट थर्टीन तो ये डायमंड जैसे शेप है ना, इसकी डायमंड जैसे शेप है तो ये क्या डायमंड क्लब के आने की क्लियर है कार्ड आप निकाल रहे तो, बच्चे क्लब के कितने है? क्लब के थर्टीन है बात समझ रहे हैं? आप क्लब और स्पेड है? किस में होते हैं ब्लैक में होते हैं और हार्ट और डायमंड होते हैं रेड में होते हैं तो आप यहां देखो क्लब की पॉसिबिलिटीज कितनी है तो क्लब के कितने हैं उस फेवरेबल आउटकम उसकी क्वान्टिटी कितनी है क्लब्स की थर्टीन आउट ऑफ फिफ्टी टू थर्टीन बाई फिफ्टी टू तो वन बाय फोर चांसेस हैं मतलब पच्चीस परसेंट चांस है आप कार्ड्स को फाइड करके उसमें से एक निकालो उसमें क्लब के ट्वेंटी फाइव परसेंट चांसेस हैं इसी तरीके से अगर बोलू ये क्लियर है समझ में आया आपको तो चार तरीके की चीजें हो गई हैं मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स बना रखे हैं आपके ट्वेंटी सिक्स ब्लैक ट्वेंटी सिक्स रेड स्पेड के इमेजेस बना रखिए क्लब की इमेजेस बना रखी है और स्पेड एंड क्लब दोनों के ब्लैक ब्लैक थर्टीन थर्टीन होते हैं हार्ट एंड डायमंड के भी थर्टीन थर्टी आपके होते हैं क्लियर है बच्चे इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं जहाँ पर हमारे पास में फेस है यहाँ पर जिसपे फेस बने हुए हैं इसको फेस कार्ड बोलते हैं क्लियर है तो चार होते हैं आपके पास में स्पेड क्लब डायमंड हर्ट सबके पास में तीन तीन फेस कार्ड है तो कुल मिलाकर के टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास में ट्वेल्व तो बच्चे मैं आ, मैं यहां पर लिख भी देता हूं एक ही जगह पर ज्यादा बेटर रहेगा फेस कार्ड तो थ्री ईच में है और फोर है आपके ऐसे तो ट्वेल्व आपके फेस कार्ड है ऑनर कार्ड तो फेस कार्ड के साथ साथ में ये जो फेस कार्ड के साथ साथ में जो एज का होता है उसको भी हम ऑनर कहते हैं तो एच में फोर आपके ऑनर कार्ड है तो आपके पास में सिक्सटीन आपके ऑनर कार्ड्स होंगे क्लियर है बच्चे ये समझ में आ गया आपको तो आपको कार्ड से रिलेटेड चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे आपको एक काम करना है क्योंकि एकदम से मैंने पढ़ाया मेरे माइंड में तो है मैं तो काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ आपके माइंड में एकदम से नहीं आएगा आप पहले इसको रिवाइज करें रिवाइज करने के बाद फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में असाइनमेंट लेकर के आऊंगा लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चन से ही हम डिस्कस करेंगे ठीक है लेकिन सही बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि मैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो अभी लेटेस्ट में जो वीडियो रिकॉर्ड करा है और कटेसिस और एसक्यूनेस का वो मैं आपके लेटेस्ट कंटेंट में अपडेट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड डाउट जो होगा मैं आपको उसमें बता उसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप उसको देख लीजिए लगभग लगभग फॉर एग्जांपल आपको वो कंप्लीट कर देना है टेंथ ऑफ सितंबर तक मैं आपको टारगेट देता रहूँगा और एलेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर को आपका टेस्ट है किसका टेस्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टेस्ट है वो मैं आपके लेटेस्ट में कल पूरा फोल्डर डाल दूंगा और उससे रिलेटेड डाउट क्लासेस में आपका लूँगा आज तो थर्सडे है ना सैटरडे नहीं आ, मैं बीच में कोई भी एक सेशन रख करके एक दो क्लासेस आपके डाउट ले लूंगा बट पहले आप देखिए तभी आपके डाउट लूंगा तो अगर आपका एलेवन को टेस्ट है तो एलेवन से पहले मैं उसमें उसमें, उसमें आपकी लाइव में जाकर डाउट ले लूंगा क्लियर है बाकी व्हाट्सएप पे तो आप डाउट कभी भी आप पूछ सकते हैं जहां पर भी है अभी मैं व्हाट्सअप लॉग इन नहीं था मैंने लॉग कर लिया आज से मैं आपको रिप्लाई करना उस पर स्टार्ट कर दूंगा क्लियर yeah. है बच्चे तो मेजरमेंट ऑफ एनअेंडेंसी वहां से आपको कवर कर लेना है इंडेक्स तो मैं करवा चुका हूँ प्रायरिटी चल रहा है तो मैं आपके सिलेबस को अक्टूबर मिड ऑफ अक्टूबर एंड एंड मिड ऑफ नवंबर तक मैं आपका सिलेबस को वाइंड अप करूंगा क्लियर है आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर मत समझिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर पता नहीं सर ने कब का पढ़ा है अभी 2023 तक के क्वेश्चंस उसमें अपडेट हैं आपके प्रीवियसर क्वेश्चन ठीक है बच्चे तो मेजरमेंट ऑफ अटेंडेंसी आप सभी बच्चे स्टार्ट करते हैं जो बच्चे लाइव में मैं कंटेंट को आज उस पर मूव करता हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और डाउट क्लासेस में आपके लूंगा ऑनर कार्ड बच्चे एक तो जो फेस कार्ड होता है ना आपका ये प्लस एस कार्ड दिस वन इसको ऑनर कहते तो ऑनर में ये भी आ, आ गया ऑनर कार्ड में आपका ये भी आ गया ऑनर कार्ड में आपका ये भी है ये भी है और ये भी है तो चार आपके ऑनर कार्ड हो गए तो टोटल कितने ऑनर कार्ड हो गए आपके पास में क्लब में भी चार है स्पेड में भी चार है हार्ट में भी चार है डायमंड में भी चार है तो टोटल तो सिक्सटीन तो तो आपके ऑनर कार्ड हो गए क्लियर है बच्चे तो स्टैट्स का सिलेबस कैसे कवर करेंगे ये विवे, आ, दिव्या कमेंट करके बताएं और अक्षित आप बताएं आप स्टैट्स का सिलेबस कैसे कवर करेंगे इंडेक्स नंबर एक यूनिट तो कंप्लीट करवाई दिया आपको दूसरा चल रहा है और एक आपको मेजरमेंट ऑफ सेंडे टेंडेंसी बहुत अच्छे से और लेटेस्ट क्वेश्चन उसमें रिकॉर्डिंग करके अपडेट कर रहा हूं मैं कल आपको मिल जाएगा